आप लोग का स्वागत है। हम लोग आ गए आज विजडम केयर सेंटर, एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर के पास। आज सीटेट का एग्जाम था, आज के रिव्यू लेने के लिए आए। देखते हैं। हेलो मैम, बताइएगा कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा रहा। पेपर वन भी था? पेपर वन तो और अच्छा गया। पेपर वन भी अच्छा गया। पेपर में मेरा साइंस थोड़ा टफ। अभी आप कौन कौन पेपर चूज किए थे आप? हमारा ABS था और उसके बाद सिटी लैंग्वेज वन था मेरा हिंदी, लैंग्वेज टू में संस्कृत था। साइंस था कि सोशल साइंस? मेरा SST था, सोशल साइंस। सोशल साइंस था। सोशल साइंस में क्वेश्चन लेवल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मॉडरेट रहा क्वेश्चन लेवल। जैसे पूछा गया क्वेश्चन लेवागुस्ती से था, ठीक है, याद है क्वेश्चन दो चार को? पॉलिटिक्स से था, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन से था, कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान से नहीं था लेकिन क्या कहते हैं सामाजिक विज्ञान से। हाँ, हिस्ट्री से सवाल था। हिस्ट्री से कौन टॉपिक से था? हिस्ट्री से था, गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में था, अरेंज करने के लिए दिया गया था, सन दिया हुआ था उसको अरेंज करना था, किसी घटना दिया गया था उसको अरेंज करने के लिए, घटना वाला असहयोग आंदोलन। हेलो मैम, बताइएगा एग्जाम कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। कितना टाइम गया सही आपका टाइम? मैं देख तो नहीं पाई, ध्यान से नहीं बता। तो अभी आपको लग रहा होगा ना कितना सही होगा? हाँ, 85। फर्स्ट पेपर भी था आपका एग्जाम? जी। सेकंड पेपर भी था? जी। दोनों अच्छा गया ना? जी बहुत अच्छा। थैंक यू। बताओ क्वेश्चन कौन कौन याद है तुमको? कोड मिश्रण है, वो कोड परिवर्तन से था, वो सामाजिक अंतःक्रिया ले वायुगोत्स्की से पूछा हुआ था। और अभी था मैं सोशल साइंस था, सोशल साइंस गांधी जी से पूछा हुआ था, गांधी जी से था, आंदोलन आंदोलन से पूछा हुआ था। कहाँ से आए आप? यही पटना से ही है, तैयारी करते हैं। तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी? हाँ। कैसा रहा आपका एग्जाम? कैसा रहा पेपर वन पेपर टू जैसा हवा बना हुआ था कि बहुत टाइट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ेंगे उनके लिए भी आसान है, जो पढ़ा ले उसके लिए आसान ही है। हाँ, पेपर वन बहुत ज्यादा नहीं, जिन पे आज एक अलग ले आएगा उसकी, और भाषा में मुश्किल से हमको लगता है वो भी ले आएगा उसकी, और स्किनर से ही क्वेश्चन था। लैंग्वेज आपका हिंदी संस्कृत था इंग्लिश था? हिंदी संस्कृत था। संस्कृत में बोल रहा हार्ड आ रहा क्वेश्चन? नहीं ऐसा बात नहीं है, संस्कृत भी इजी है, उसका क्या बोलते हैं पैडागोजी भी इजी है, बस जिनको भाषा नहीं समझ पा रहे उसके लिए तकलीफ है, जो है उसके लिए उसके लिए हार्ड है। सेकंड पेपर में भी ठीक ही है, सब तो ऑलरेडी मेरे अनुसार सब ठीक ही गया पेपर। फर्स्ट पेपर में मैथ आता है ना? हाँ मैथ रहता है। मैथ में आपको परेशानी भी हुई? नहीं कोई परेशानी नहीं है, वो तो हमको लगता है आपको मुश्किल से 4 से 5 क्लास का बेसिक्स है कि इतना आया, इतना वर्क को कैलकुलेट करने पे वर्क बना दिया गया, उसका क्षेत्रफल वगैरह निकालना। साइंस था कि सोशल साइंस था आपने? मेरा मैथ और साइंस था सेकंड पेपर में। साइंस में कुछ किस टॉपिक से आपको लगा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है? मुश्किल से हमको लगता है वही क्षेत्रफल वाला, और साइंस में बोल दे तो उतना याद भी नहीं। मैं एक मिनट आइए। उतना क्वेश्चन भी हमको याद नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ पे दिमाग कहीं और। बायो और से था क्वेश्चन? बायो से? हाँ बायो से था। केमिस्ट्री से भी था थोड़ा, रासायनिक को अगर इससे इसमें मिला दिया जाए, एक्स है तो वाई है, तो कौन सा रासायनिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, हाँ केमिकल प्रॉपर्टी कितना फॉलो करता है, उस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है सर। ओके ओके थैंक यू। विपुल आनंद सर्च कीजिएगा आपका। ओके ओके।